वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड सेंटर के दौरे के बाद तीन रुकनी वफ्द की सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। मुलाकात में लोकल गवर्नमेंट और दीगर शोबों में दो तरफा तआवुन पर ब्रीफिंग। वजीर बल्दियात और आलमी बैंक के वफ्द का आइंदा हफ्ते दोबारा इजलास का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। बिल्कुल, बैंक के तीन रुकनी वफद की सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई है और डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक एना वेलिंगटन की सीनियर वजीर को लोकल गवर्नमेंट और दीगर शोबों में दो तरफा तआवुन पर ब्रीफिंग भी दी गई है। बड़े शहरों के लिए अंदर 50 बसों की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का ये कहना था। हाउसिंग सेक्टर में मजबूत मनसूबाबंदी से मौसम मजबूत होगी, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत के अक्सर मनसूबे मौसम पर बोझ है ज्यादा भी ले रहे हैं। इस बार से पंजाब में सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, जिसके मनसूबों के लिए चेक एंड बैलेंस के साथ रेटिंग सिस्टम भी जरूरी है। वजीर आलम इमरान खान ने दूसरे मुल्कों के इत्माद में इजाफा हो रहा है और अरकान असेंबली के बजाय सूबाई वजीर माल मलिक मोहम्मद अनवर की वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान से मुलाकात। लैंड रिकॉर्ड के हवाले से देही और शहरी इलाकों से मुतल्लिका मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताते चले, सूबाई वजीर माल मलिक मोहम्मद अनवर की वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में लैंड रिकॉर्ड के हवाले से देही और शहरी इलाकों से मुतल्लिका मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है।